पहाड़ पे आ गए, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। इसकी इच्छा थी पहाड़ पर चढ़ने की, काफी ऊंचाई पर आ गए। एकदम बादल आ रहा घनघोर, आज तो आप भूखे ही रहोगे, खाना नहीं बनेगा। बादल सुंदर लग रहा है पेड़। हाँ बहुत सुंदर पेड़ है, पता है लेकिन खराब हो गया गिर के। और रस देखो इसमें से कितने एकदम पीले पीले हो जाए तो कितने अच्छे लगेंगे। हाँ। पत्ते झड़ जाएं और ये ही पीले पीले दिखे। स्वागत है दोस्तों आपका आज के हमारे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों यहाँ से निर्झर झरना से हम निकल लिए और अब हम ढूंढ रहे हैं दोस्तों जगह के कहीं पर हम अपना भोजन पानी बनाएं और खाएं, क्योंकि अब समय हो गया 11 बजने वाले, 10:30 से ऊपर का टाइम है। तो यहाँ पर एक बार देखते हैं, एक लोकेशन है मेरे को अच्छी लगी है लोकेशन, तो वो एक बार आप भी बताना। ऐसे अगर हम चले आए ना तो पूरा जंगल में पहुंच जाएंगे, चारों तरफ जगह ही जगह है, मतलब जंगल ही जंगल है। तो यहाँ पर देखते हैं एक बार, लोकेशन अच्छी है इसीलिए मैं सोच रहा था कि यहाँ पर बना लें हम खाना। पर है ये 200 का ही एरिया, 200 से ही मार्केट लगता होगा इनका। और अम्मा ने खोल ली है अपनी बलेनो, इन्हें नीतू बोल रही है पहाड़ पर के मैंने कभी पहाड़ पर नहीं चढ़ी, तो मैंने बोला कि चल तेरे को छोटे से पहाड़ पर चढ़ाता हूँ चल। अब ये एक छोटा सा पहाड़ है, अब ये सोचती है कि पहाड़ ना चढ़ना आसान है, अब ये इसको पता चलेगा पहाड़ चढ़ना कितना कठिन है। चल आवाज इधर से चल, इधर से चल, पूरी रास्ता दिखाता हूँ तेरे को, मैं तो बहुत चढ़ा हूँ पहाड़ों पर और तू भी चढ़ के देख, और देख नीचे कैसे कटीले है। आवाज भी आ रही है ना झिंगरों की, चीं 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 वाली, इसी वाले पहाड़ पर चढ़ जाना। ये है देख छोटा सा, या उस पर जाएगी, इस पर चढ़ जा, ये है एक छोटा सा इसके बम्बूल। हाँ निकल जा उधर से भी है। दोस्तों इसकी इच्छा थी पहाड़ पर चढ़ने की, काफ़ी ऊंचाई पर आ गए, ज़्यादा तो नहीं है वैसे ऊंचाई, पर फिर भी ऊंचाई है। ये देखिए छोटे छोटे से पेड़ है, मेरी चप्पल ना टूट जाए। मम्मी मैं पहाड़ पे आ गई, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, सबसे बड़ा पहाड़ था ये, इस पे चढ़ी हम, हस्ती जा रही है। सबसे बड़ा थोड़ी है ये, देखिए छोटा था, सबसे छोटा था, फिर भी आपकी सांस फूल रही है इस पर चढ़ने में। अच्छा ना मम्मी पहाड़ पे आ गई, ऐसे हमने वहाँ बोला था मम्मी मैं बर्फ पे आ गई, वो कट गई जो हमारी वीडियो। देखिए दोस्तों चारों तरफ से ना देखिए पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये जगह, और हम भी एक छोटे से पहाड़ पर हैं। और दूसरी एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए प्रकृति को लोग बाग ना कितना गंदा करते हैं। ये देखिए यहाँ पर किसी ने चाउमीन, हाँ चाउमीन की भी पड़े, ये देखिए पैकेट पड़े, ये नमकीन है, हाँ नहीं छोटा सा सुंदर पहाड़ है बहुत। मैं तो खाना बनाने की सोच रही हूँ पहाड़ पर, बना लूँ, रास्ता थोड़ी क्लियर नहीं है, नहीं यहाँ बैठ के बना लेती, बना ले, बना ले पहाड़ पर ना खाना बना लेते हैं। वैसे तो टाइम हो गया 12 बज गए, तो पहाड़ का खाना बनाने की बोल रही है, क्या विचार है नीतू? बना लेते हैं, बनाए बैठ के, हाँ अच्छा लगेगा यहाँ पर बैठ करके, है ना। चलो तो फिर सामान लेके आते हैं और आज पहाड़ों पर ही बैठ करके ट्रैकिंग करेंगे। ट्रैकिंग क्या मतलब, यहीं पर कैंपिंग करेंगे पहाड़ पर, है ना। चलिए तो सामान लेने, ये इधर से निकल जाती वो बम्बूल को, वो क्यों काट रही है, हटा रही है? नहीं नहीं इधर से, देख इधर से, अगर उधर से ही जाना है तेरे, इधर से भी तो फिर पेड़ है ना। नहीं है देख ये रही ना, कितना आसान है, ऐसे उतर के जाती, ये ऐसे यहाँ से फंस गई साड़ी तेरी। चली जाएगी,
दोस्तों एक बार कमेंट करके बताना, ये लोकेशन है जो खाना बनाएंगे अब हम यहाँ पर, ये मैंने अच्छी चॉइस की है या नहीं। मुझे तो बहुत पसंद आई, हम पीछे भी रुके थे, ये बोले यहाँ बना ले, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा था, मुझे यहाँ अच्छा लगा। मैंने भी सोचा चलो यहाँ बनाएंगे, ऊपर पहाड़ के पीछे चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये छोटा सा इस पर बैठ के और खाएंगे। और गाड़ी लेके आ रहे हैं, ये सामान निकालूंगी मैं गाड़ी में से, थोड़ी दूर पड़ती गाड़ी, इधर से इस पास में ही रहेगी हमारी गाड़ी, हमको दिखती भी रहेगी और सामान भी निकाल लूंगी मैं। दोस्तों थोड़ी देर बारिश का वेट करते हैं, बारिश आ गई है, इसको सोच रहे हैं बंद हो जाए जब बनाने लगेंगे। और फिर धूप भी आ गई उस पहाड़ पे, जब से छाया थी अब तो धूप आ गई, तो गर्मी में नहीं बना पाऊंगी, धूप आ गई है और एकदम बादल भी हो रहे हैं घने, चारों तरफ से काले काले बादल हो गए हैं, तो कहीं ज़्यादा तेज़ बारिश ना आ जाए इसलिए थोड़ी देर रुक गए। अभी सामान नहीं निकाल रही हूँ गाड़ी में से, पहले बरसात का देखती हूँ, ये बंद हो जाए, बूंद आई है जो, ये अभी बूंद आना स्टार्ट हो गया है, हल्की हल्की बूंद है और धूप भी निकल रही है। धूप के लिए तो वैसे छाता है हमारे पास में, छाता लगा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बूंद बंद हो जाए। कहीं से हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा, और देखिए आसमान में एकदम काले काले बादल हो गए घने, आवाज़ आ रही है, होगी आपको, हाँ ये आ गया यारा हेलीकॉप्टर आसमान में। दोस्तों धूप निकल आई है और यहाँ पर खाना बनाना हमारा हो गया कैंसिल, क्योंकि इतनी देर, कम से कम एक घंटा तो लगता ही है खाना बनाने में, धूप में बैठ के नहीं बना पाएंगे और हल्की हल्की बूंद भी आ रही है, तो हम आगे जा रहे हैं, आगे कहीं अच्छी लोकेशन मिलेगी वहाँ बनाएंगे फिर खाना। ना बकरियों के भी मेहंदी लगा रखी है, लगा दी है सिर पर, लाल लाल सिर कर रखे हैं सबके, मेहंदी लगा के। अब भैया भी खतरनाक हथियार लेकर के चल रहे हैं, कुल्हाड़ी लेके। अब वहाँ पर तो खाना नहीं बनाया, धूप आ गई थी, बूंदे भी पड़ने लग गई थी। अब आगे चल रहे हैं, आगे अगर कोई अच्छी सी जगह मिलेगी ना लोकेशन, तो वहाँ पर गर्मी बहुत भयंकर है, यहाँ पर धूप में नहीं बैठ पाते ना, इतनी देर एक डेढ़ घंटा लग जाता है खाना बनाने में, बहुत गर्मी है। हाईवे रोड तो है नहीं, एसी मैंने चला नहीं रखा है, पता नहीं कब गाड़ी रोकनी पड़ जाए, इतनी में ठंडी करेंगे गाड़ी को, फिर गर्म हो जाएगी तो फिर और बुखार आ जाएगा। कोई ये बोलेगा ना तो एसी क्यों नहीं चलाते, तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि हर 10-15 मिनट में फिर रुक करके उतर करके फिर वीडियो बनानी, फिर चलना हमको, तो इसलिए चढ़ाई वापस से उसी पहाड़ वाली चालू हो गई है, आगे से भी वाहन आ जाते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा हमको। वो कौन सी मनाली वाली सी चढ़ाई है, पर फिर भी अच्छी है यहाँ के हिसाब से, मोड़ वोड़ खाती हुई। Turn left toward Hazipur Narnol Machri Neemrana Road, then turn left onto Hazipur Narnol Machri Neemrana Road. ठीक है साहब, नीमराना रोड ही पकड़ेंगे। वो आगे गई, वो और पहाड़ियों के लिए चली गई, हमको जाना है इस वाले पहाड़ी के ऊपर से। Continue on Hazipur Narnol Machri Neemrana Road for 9 kilometers. ये देखिए दोस्तों कैसी है ना, जिग-जैग नहीं, मतलब ऊपर नीचे है यहाँ रोड है, ये देखिए फिर नीचे रेत उड़ रहा है, बरसात का तो नहीं है अभी कोई नाम निशान है, बादल हो जाते हैं, बारिश नहीं होती है। सामने एक पहाड़ पर मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, नीतू को जमाई मार रही, पूरी रात सोई है, नहीं नींद नहीं आई। नारे हड़ा जगह कोई गांव, परंतु ये जो डिस्ट्रिक्ट राज्य है ये हरियाणा है, तो हरियाणा में देखिए बारिश थी यहाँ पर। गूगल माता ने कैसी रास्ते से डाला है हमको, ये देखिए रास्ता है, पत्थर पड़े हुए हैं उस पर, भाटे, रोड भी नहीं है, उस पर से डाला है। ये देखिए पूरी गाड़ी झड़ 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 कर रही है, झड़ 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 पूरी गाड़ी एकदम कर देती है। दूसरा वाहन आ जाए तो बिल्कुल मतलब ही नहीं है, बचने का कोई मतलब नहीं है। पता नहीं अब कितनी दूर है, पर नारनौल 7 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, तो चलिए चलते हैं। देखिए हालत ख़राब हो रखी है बिल्कुल एकदम, ये देखिए पूरी गाड़ी झड़झड़, और बादल आ रहे हैं काले काले, ये मतलब ऐसी डाल दिया हमारे यहाँ लोकल है ना, वो रास्ता खाना बनाने के लिए बड़ी अच्छी जगह है ना, हाँ
देखिए यहाँ पर बारिश नहीं है बिल्कुल, तो देखिए खेत कैसे सूखे है ना, सूखे पड़े हैं वैसे, लेकिन जोत के डाल दें मतलब बहुत हो रहा है मिट्टी। ये रास्ता है सब नारनौल वाली। अभी नारनौल जाते समय रास्ते में, तो ये शायद हरियाणा है परंतु है राजस्थान का और हरियाणा का बॉर्डर बॉर्डर है, चाहे वो राजस्थान का है चाहे हरियाणा का, दोनों का ही है क्योंकि नारनौल पास में है। अब देखिए हरियाणा राजस्थान में, राजस्थान में बोलते हैं ना कि खेती नहीं है, यहाँ पर खेती तो कितनी है। और ये देखिए मेरे को ना रास्ते में जाते समय एक बाग दिखा है, कोई गांव है, है इतना सुंदर लग रहा है पेड़। हाँ बहुत सुंदर पेड़ है, तो वही दिखा, ये देखिए ये किन्नू है, और देखिए नीचे वाले तो और पक गए बिल्कुल, बहुत मतलब कितना सुंदर है, देखने में ऐसे लग रहा है बस देखते ही रहो। हाँ और एक दो नीचे गिरे हुए भी हैं, ये नीतू छा रही है ना बीन ने, उनको वो एक दो गिर गए, परंतु देखना पके कैसा है, पक्का है क्या? पक्का है लेकिन खराब हो गया गिर के। ये देखिए खराब है वैसे, वो खराब है, खाए नहीं जाएंगे खट्टे होते बहुत ज्यादा, लेकिन मैं दिखाऊंगी वैसे। ये देखिए इनकी खेती है, हाँ ये किन्नू किन्नू का है इसका, और रस देखो इसमें से कितना, वाह रे वो दाल के डालने के काम आ जाएगा। नहीं ये खराब है, पर ये खराब है, रस दिखा रही थी कितना है, देखिए कितने सारे एकदम पीले पीले हो जाए तो कितने अच्छे लगेंगे। हाँ। पत्ते झड़ जाए और ये ही पीले पीले दिखे, मनाली में सेब के पेड़ थे, आड़ू सेब के, और देखो इसके पत्ते तो थोड़े कम होगा, एकदम वही ये सारे किन्नू है। दोस्तों देखिए राजस्थान में ना पानी कैसे देते हैं, ये देखिए ये फुब्बारा है, ये है फुब्बारा, और जब ये चलता है ना तो ये ऐसे करके हिलता है हर बार करता है, और फिर ये चारों तरफ ऐसे धीरे धीरे देखिए घूमता जाएगा है ना, और घूम घूम करके, और फिर ये चारों तरफ इसमें से पानी आएगा निकल करके, ये ऐसे करके ये फुव्वारे लगे होते हैं, और बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ हेड वेस्ट देन टर्न लेफ्ट, अरे यहाँ चल रहा है गूगल माता, ये देखिए चारों तरफ ना ऐसे फुव्वारे लगा रखे, और ये बागी बाग है पूरा किन्नू का बाग है हरियाणा में हरियाणा है राजस्थान है, दोनों का बॉर्डर है, बॉर्डर है। ये देखिए इधर भी है ना, ऐसे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बहुत आ रहा है, वो क्या करेंगे, क्या करेंगे, खट्टे हैं हम क्या करेंगे, बाग है पूरा का पूरा। चलो बादल गरज रहे बनायो, एकदम बादल आ रहा है घनघोर, आज तो आप भूखे ही रहोगे, खाना नहीं बनेगा बादल गरज रहे बहुत तेज, यहाँ भी बना लेने की कोशिश कर दे, वही बारिश आ जाती, बारिश आ गई, यहाँ बना लेते तो यहाँ भी बारिश आ गई, बरसात आ गई, अब देखो तड़ातड़ तड़ातड़ आ रही है ना बारिश। और राजस्थान में ये देख लीजिए, आपको दिखाया ना कि हरियाली कितनी है, और अब बारिश आ गई, आज का मतलब दिन हमारा खराब हो गया। चलो खाना तो हम कहीं से लेकर के खा लेंगे, ठीक है ना, अब चलते हैं यहाँ पर है ना, खड़े खड़े बरसात आ गई, वाइपर भी चलाने पड़ गए अब हमको। चलो हरियाणा में तो हुई, ये हरियाणा लग गया है यहाँ से, अब नारनौल आने वाला है, ये हरियाणा डिस्ट्रिक्ट है, अब हरियाणा में बारिश ही बारिश है, राजस्थान सूखा पड़ा हुआ था वहां तक, चलो आगे शायद बंद हो जाए बारिश कहीं, किन्नू के बाग ही बाग है, नीचे इधर जाना। दोस्तों भयंकर वाली बारिश हो रही है, भयंकर वाली जो होती है ना, वो खतरनाक वाली, देखिए आगे सामने कुछ नहीं दिख रहा है कुछ भी, ऐसी बारिश हो रही है, अब क्या करें, हाँ राजस्थान तो हमारा निकल गया साफ सूखा, पर ये हरियाणा है ना, ये इसने कर दिया काम खराब, शायद आगे ना हो पता नहीं, पर अब तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है आगे ना, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। In 200 meters, slide right. अचानक आ गई है इतनी तेज बारिश, अचानक आ उसके किन्नू के बाग पर रुके थे तो एक दो बूंद आई थी बस, वहाँ पर हम खाना बनाते तो बना नहीं पाते, देखिए दोस्तों गाड़ी को लेके आ रहा है, इतनी भयंकर बरसात है और ये रोड है, यहाँ से हमको निकल के जाना है, पहले तो हम एकदम चौंक गए कि आगे के लिए रास्ता बंद थी, किधर जाएंगे, बारिश की आवाज आ रही होगी आपको, इसके नीचे से जाना है, अंडरपास से नीचे से निकल रहा है, यहाँ लिखा हुआ भी है बरसात के कारण पानी का तल रोड लेवल से 50 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाने पर वाहन
लेकर अंडर पास न करें, दुर्घटना हो सकती है। जल्दी ले लेते हैं हम यहाँ से, अभी तो ज्यादा नहीं है जरूरी। टर्न राइट। देखिए हाईवे है ये, और इसके ऊपर से पानी आ रहा है कितनी तेज। यहाँ रुकना खतरनाक है, एकदम झरना जैसी है ये तो। वहाँ गए थे इतनी दूर झरना देखने, यहाँ पर आ रहा है झरना। ये हाईवे महेंद्रगढ़ 28 किलोमीटर, रेवाड़ी दिखा रहा है इधर से 52 और नारनौल दिखा रहा है 9, और चंडीगढ़ लुधियाना अंबाला हिसार वाला ये हाईवे है। ये आगे बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये देखिए चंडीगढ़ लुधियाना अंबाला हिसार। और अब हम हाईवे पर पड़ जाएंगे थोड़ी बहुत दूर के लिए। स्लाइड राइट ऑन टू द रैंप। भाई इतनी करीबन 2 घंटे से नॉन स्टॉप इतनी हैवी बारिश हो रही है, हैवी रेन बहुत भयंकर, मतलब मूड ऑफ हो गया बिल्कुल। बरसात में तो मूड ऑफ कर दिया, एकदम ये ऐसे आ जाते हैं ना पुल के नीचे वाले, आगे का दिखाता हूँ हाईवे रोड का नज़ारा आपको। देखिए कुत्ते रोड पार कर रहे हैं जो बरसात में नहाते हुए। ये देखिए आगे का बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा आपको, इतनी भयंकर बारिश है, बहुत भयंकर है रियल में। अभी नारनौल भी नहीं पहुँचे अपन, या तो साइड में रह गया या कैसे पता नहीं। ये वो जगह है जहाँ पर मैंने अपनी रुमकुड़ी को गन्ने का जूस पिलाया था। अच्छा तो फिर अब तो हम गलत जा रहे हैं ना, आप इधर ही तो गए थे हम। इधर से तो आए थे झुंझुनू से, जब आ रहे थे सुबह सुबह पेट खराब था। तेरा पेट खराब था, यहाँ पर रुक करके मैंने तेरे को गन्ने का जूस पिलाया पिया था। ये भी अच्छा, कोई हाईवे है ऐसा हाईवे मिले तो अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब वो जगह है ठीक है। अब यहाँ बुट्ठा मिल रहे और ये वो जगह है, अब इस पर चलना है थोड़ा सा हाईवे पर। इस पर कोई भी टोल नहीं है। अच्छा, इस पर अच्छा। एक जगह हाईवे पर ही अब हम रुक गए क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है। तो सामने पहाड़ दिख रहा है, नहीं तो कितना सुंदर लग रहा है, है ना। धुआं भी उठ रहा है। हाँ यहाँ पर तो धूप नहीं है, पर सामने देखिए पहाड़ पर धूप है और देखिए धुआं उठ रहा है वहां से। ये देखिए धुआं उठ रहा है ना, धुएं उठ रहे हैं और धूप भी है वहाँ पहाड़ पर। और दोस्तों हमने यहाँ हाईवे के पर ही अपनी एक सर्विस रोड है वहाँ पर अपनी गाड़ी को खड़ी कर लिया है। ये बीकानेर वाला रूट है तो बीकानेर पर हम हाँ। और यहाँ पर देखिए नीतू की हाईवे पर ही रोड पर ही हो गई है कैंपिंग स्टार्ट, यानी कि खाना बना रही है अब ये। तो अभी हम चाय ब्रेड पकौड़े। पानी किधर है? हरी वाली बोतल बड़ी वाली। देखिए हमारा गाड़ी कैसी भरी पड़ी है ना सामान से, और गंदी हो गई बरसात में, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। देखिए गंदी हो रही है। तो यहाँ पर नीतू बना रही है चाय ब्रेड कर लेते हैं क्योंकि बारिश आ रही है ना, तो वो नहीं कर पाए। और इसमें ही है ना टीन है एक, तो इसके नीचे हम बच रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल बन गया हमारा खाना, ब्रेकफास्ट जो भी है वो हाईवे रोड पर ही खारना पड़ रहा है आज। अब देखिए धूप निकल आई है ना यहाँ पर, अब धूप निकल आई तो अब देख अच्छा लग रहा है लोकेशन भी। चलिए चाय कहाँ है? चाय नहीं की अभी? बन गई। अच्छा बन गई, गैस कम कर लो। चलिए दोस्तों आज का खाना भी हमारा हाईवे रोड पर, कल का था डीग के किले पर और आज का है हाईवे रोड पर। ये हमारी ब्रेड, ये हमारी चाय। चलिए खाना खाते हैं और फिर आगे चलते हैं। दोस्तों हो गया है इस जगह पर और हमने अपना सारा सामान हटा लिया। कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं होने की, कुछ न गंदगी न कुछ भी। 10 मिनट लगे सिर्फ खाना खाने में, ब्रेड और चाय सेक ली, मैंने दूध पी लिया और वो कतली लाई थी घर से वो खा ली और अब दोस्तों हाँ पेट भर गया। अब हम यहाँ से चलते, पहले ऐसी जगह देखें जहाँ पर नेटवर्क अच्छा आ रहा हो, क्योंकि वीडियो भी डालनी है अभी अभी हमें। देखिए दोस्तों इतनी दूर आकर के हमें यहाँ पर राजस्थान में मिली है अपने UP85 यानी कि मथुरा की गाड़ी। आगे लगना तो ये भी मेरी गाड़ी को देखेगा। दोस्तों अब ये हाईवे रोड से अब हम हट गए हैं और ये रोड जो है चल रही है, तो ये छोटी रोड है। वैसे नेशनल 11 दे रखा था उसने, परंतु वो वहाँ तक हाईवे था जहाँ तक HR था यानी कि हरियाणा, और अब RJ लग गया यानी कि राजस्थान। तो
राजस्थान की देख लो कितनी बेकार रोड है, रियल में राजस्थान की बेकार रोड है। हरियाणा की तो रोड अच्छी है, हमारी यूपी हरियाणा की तो बहुत अच्छी रोड है। ये देखिए पुलिस थाना पचेरी कला है, कोई राजस्थान का है, झुंझुनू राजस्थान लिखा है, ये जिला झुंझुनू ही लगता है, सिंघानिया ग्रुप वगैरह है पता नहीं। यहाँ पर ये जो रोड चल रही है अब, ये हम झुंझुनू सिंघाना चिड़ावा वाला ये रूट है, और सिंगल रूट है, हाईवे नहीं है, और अभी भी पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया ही चल रहा है अपना। नगर पालिका चिड़ावा में आपका स्वागत है। ये देखिए राहुल देव मसूर पेड़े वाले, ये दोस्तों यहाँ पर है होटल देसी थाली, यहाँ पर देसी थाली मिलती है, इंग्लिश थाली नहीं मिलती, देसी है। दोस्तों मैंने पहले अलवर से पहले आपको बताया था ना, बगड़ मोड़ आया है, और रियल में दोस्तों ये वाली जो जगह है ना, इसका नाम है बगड़, वो अलवर के पास में जो था वो था बगड़ मोड़, इसके बाद में ये जस्ट झुंझुनू। दोस्तों झुंझुनू आने से पहले देखिए रोड, और रोड के सारे जो मिट्टी है वो देखिए एकदम सूखी पड़ी हुई है, और यहाँ पर बिल्कुल बरसात नहीं है। देखिए दोस्तों अब ये सीमा लग गई झुंझुनू की, और आगे लिखा हुआ है इधर से रास्ता गई है जयपुर बीकानेर के लिए भी गई है यहाँ से, है ना, नेर भी है यहाँ से रास्ता। झुंझुनू में ऐसे चलते हैं, देखिए ऑटो पीछे से खुले हुए, ये आ गया है। अब जयपुर वाला भी रोड है, और यहाँ पर एक सर्किल हुआ करता था, ये यहाँ पर एक पार्क भी था, वो देखिए फौजी जो छपा हुआ है, तिरुमल के नाम से था शायद, ऐसी था, और इसमें हम घूमने के लिए आया करते थे। और इधर अगर मुड़ेंगे ना लेफ्ट हैंड साइड पर तो रेलवे स्टेशन है, एक बार वहाँ तक चलते हैं, रेलवे स्टेशन बिल्कुल सामने है, ये है रेलवे स्टेशन झुंझुनू। मैं आया हूँ यहाँ पर सन 2003 दो में, 1999 में 2000 में आया था, यानी कि 24 साल बाद में मैं वापस आया हूँ इसी रेलवे स्टेशन पर। पहले हम इसे जब यहाँ झुंझुनू में पढ़ते थे ना, तब इसी रेलवे स्टेशन से हम रेवाड़ी वगैरह के लिए जाया करते थे, बहुत ही अच्छा लगता था, मतलब दो दिन चार दिन पहले से नींद नहीं आती थी। यहाँ पर आकर के ऐसा लगता था कि बिल्कुल आगे रेलवे स्टेशन, हम टिकट मतलब ऐसा ओल्ड टाइप का होता है ना, उस टाइप का ही बना हुआ है। पर फिलहाल अभी ये बन रहा है, यहाँ पर ये काम चल रहा है, झंडा लगा रखा है, ये देखिए कैसे अच्छा अपना भारत का झंडा है ना लहरा रहा है यहाँ पर, और अभी मिट्टी विट्टी डाल रखी है तो काम चल रहा है। ये है झुंझुनू रेलवे स्टेशन, है ना, ओल्ड कल्चर मतलब पूरा पुराने टाइप का सा बना हुआ है एकदम। ये देखिए जैसे ही हम अंदर आते थे तो यहाँ पर टिकट मिलती थी, हाँ अभी भी मिलती है, ये देखिए आरक्षण खिड़की डाला था, एक नंबर प्लेटफार्म, फिर यहाँ से बैठ कर के अपन लोग जाते थे। वेलकम टू झुंझुनू रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है, वो जो जगह है ना ये वाला पहले बना हुआ नहीं था, अब बना दिया इस जगह पर, और जस्ट इसको ये यहाँ पर दो या तीन थी उस समय, वो भी छोटी वाली, इसको क्रॉस करने के बाद में जैसे ही हम आगे गए ना, वो जो रास्ता गई है उधर मेरे ख्याल से शायद चली जाती थी काली पहाड़ी के लिए। तो ये था रेलवे स्टेशन, अब देखिए कितना सुंदर बना हुआ है फिलहाल। दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं झुंझुनू में, और अपने पुराने वाले स्कूल में पहुंच चुका हूं। ये देखिए जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये है पहाड़ के नीचे जो मैंने पहले भी दिखाया, थ्री डॉट्स पब्लिक स्कूल जो था। अब ये फिलहाल बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जुबेर। उजेर। और तुम्हारा? फरान। अख्तर। थ्री इडियट्स वाला फरान। थ्री इडियट्स मूवी देखिए उसमें है ना फरान। और तेरा? एजान। फरान और उजेर के लिए क्या लग रहा है गाल पर? ये चलो ठीक है। कहाँ के रहने वाले? मेवात के। अच्छा तो ठीक है। दोस्तों ये अपनी साइड के रहने वाले हैं, अलवर के पास के मेवात के जो रास्ते में हमें अभी पड़ा था ना, चलिए यहाँ पर आया था, निकल के जा रहा था तो सोचा एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए बिल्कुल ना पहाड़ के नीचे, अभी बरसात वगैरह हो गई है तो थोड़ी मिट्टी वैसी लग रही है यहाँ की, पर ये देखिए झूले वूले लगा रखे हैं तो काफ़ी अच्छा बना रखा है। बतख वगैरह है बेटा अभी? अच्छा कैंटीन साइड है। चलो ठीक है, इब्राहिम सर कब आएंगे, कितनी देर में? 10-15 मिनट। अब तुम कहीं बाहर नहीं निकल करके जाते हो यहाँ से? जाते
जाते हो? कभी कदार जाते हैं। कभी कदार जाते हैं। पूछ से कर। हमने बड़े भाई होते हैं उसके साथ। अच्छा अच्छा। वो पीटता पीटता थोड़ी होगा तुम्हें? जब भी कल पूछ जाते जब पीटता। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, पढ़ाई करो, खेलो खेलो, पढ़ाई क्या है ना। ओके दोस्तों, यहाँ झुंझुनू से भी अब हम निकल रहे हैं। हम जा रहे हैं दोस्तों मंडावा। तो मंडावा जा रहे हैं दोस्तों। फिलहाल मंडावा मोड़ को हम क्रॉस कर रहे हैं और आगे देखेंगे कहाँ पर हम रुकते हैं, वहीं हम रुकेंगे। भैया बस अच्छी जगह मिल जाएगी बस। वैसे तो यहाँ इस भाई रोक रहा था, इसके पास रुक जाते, पर मैंने सोचा कि छोड़ो, किसी को परेशानी देना ठीक बात नहीं है ना। दोस्तों पहले मिले सीख फील है, जब आपसे मिलते हैं बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बना रहे हैं, इसमें आइसक्रीम वगैरह भी डालोगे और वो चेरी वगैरह? ये भैया ने डाला, देखिए कितना अच्छा बना करके दे रहे हैं। और नीतू खा रही है गोलगप्पे, यहाँ पर इनको बोलते हैं पुचका है? गोलगप्पे ये सूजी वाले, सूजी वाले नहीं है, मैंने ले लिया ये। ये देखिए कितना है ना अच्छा बना करके दिया है, बहुत ही सुंदर है। आइसक्रीम वगैरह डाल दिए इसमें, चेरी वगैरह भी। ये भी खा लेना, हाँ पिएगी। दोस्तों ये वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को हम यहीं विश्राम देते और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।